आज हम बनाएंगे सिर्फ एक कप दूध से बहुत ही स्वादिष्ट बर्फी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई में एक कप के करीब दूध ले लिया है। तो यहाँ पे हमने दूध जो है फुल फैट यूज किया है। अब हम इसमें घी ऐड करेंगे। घी डालने से हमारी बर्फी जो है वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो यहाँ पे दूध को तेज आंच पर हमें लगातार चलाते रहना है ताकि दूध जो है हमारा थोड़ा सा थिक हो जाए। तो देखिए दूध जो है हमारा थोड़ा सा थिक हो चुका है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो चीनी यहाँ पे अपने मिठास के अनुसार आप ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो है हम इसमें ऐड करेंगे केसर वाला पानी। तो मैंने यहाँ पे केसर को पानी में भिगो के रखा था। केसर डालने से हमारी जो बर्फी है वो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी और इसका जो कलर आता है ना वो बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपके पास केसर ना हो तो आप यहाँ पे फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें नारियल डालेंगे। तो यहाँ पे हमने फ्रेश नारियल का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो यहाँ पे नारियल का बुरादा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बर्फी जो है हमारी बहुत ही अच्छी बनेगी। अब हम इसमें इलायची डालेंगे। तो इलायची से जो है इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हमने फ्रेश इलायची को कूट के इसमें डाला है, इससे जो इसका स्वाद है ना और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बर्फी का मिक्सर हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको ट्रे में डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे ट्रे को पहले ही ग्रीस करके रखा है। अब इसमें हम सारे मिक्सर डाल देंगे और इसको अच्छे से फैला देंगे। तो यहाँ पे बर्फी को 2 घंटे के लिए सेट होने देंगे। तो देखिए 2 घंटे बाद बर्फी जो है हमारा सेट हो चुका है। अब इसको हम अपने मनचाहे आकार में काट लेंगे। तो यहाँ पे हम जो है इसे बाजार वाला सेब दे रहे हैं, जैसे बाजार में मिलता है ना चौकोर चौकोर। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब जो है हम इस बर्फी पे थोड़ा सा चांदी के वर्क से सजा देंगे ताकि ये देखने में भी सुंदर लगे। अब जो है हम इस पे थोड़ा सा पिस्ता लगाएंगे। तो देखिए तैयार है हमारी नारियल की बर्फी।